नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का बहुत महत्व है। और वैसे भी आपको शायद पता है या नहीं है कि अगर आपने दिवाली पे दीपदान किए हैं, यानी कि धनतेरस के ऊपर, रूप चौदस के ऊपर और दीपावली के दिन, और बाद में भी अगर आपने दीपदान किए हैं, तो पहले जो 3 दिन है यानी कि लक्ष्मी पूजा के दिन वाला, धनतेरस के दिन और रूप चौदस के दिन जो आपने दीपदान किए हैं, उस दीपदान का कोई आपको पुण्यफल नहीं मिलता। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो दीपदान का कोई पुण्यफल नहीं मिलता है अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान नहीं करते हो तो। इसकी एक कहानी है, वो कभी और आपको बताऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट में ध्यान रखिए कि वो जो 3 दिन का दीपदान का जो फल है वो राजा बलि को मिल जाता है, आपको नहीं मिल पाता। अगर आपको दीपदान का अगर फल आपको चाहिए तो आपको कल यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको दीपदान कैसे करना है, दीपदान कहाँ करना है, दीप कितने दान करना है आपको, कितने दीपों का आपको दान करना है और दीपदान का सही तरीका क्या है। इन सभी चीज़ों पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी सब चीज़ जानना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपदान कितने करना है। तो देखिए, कम से कम 5 दिए का नियम है कि 5 दिए कम से कम आप लगाने ही लगाना है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कितने भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो गिनती कितनी हुई? 5, कम से कम 5 दिए, इसके बाद जितने चाहे उतने दिए आप लगा सकते हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये, किस तरह के दीपक का दान करें आप। दान करने का मतलब मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया है कि दान करने का मतलब किसी को देना नहीं होता, दान करने का मतलब होता है दीप को प्रज्वलन करना भगवान के सामने, यानी भगवान के सामने दीपक का जलाना ही दीपदान कहलाता है। ठीक है, तो आप किस चीज़ के दीपदान का है, धातु किस धातु की बना होना चाहिए, किस चीज़ का दीपक बना होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, आप आटे का दीपक बना सकते हो, या किसी धातु का दीपक अगर आप दान करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपकी मर्जी है, कोई सा भी तरह का दिया आप ले सकते हो। आप चाहे तो आटे के दिए से भी दीपदान कर सकते हो। ठीक है, अब उस दीपक में आपको किस तरह की बत्ती लेना है, किस तरह का आपको क्या उसमें डालना है, तो आपको देखो लंबी बत्ती का जो दीपक होता है वो आपको यूज़ करना है, साथ ही घी का दीपक आपको लगाना है, तेल का दीपक नहीं लगाना है। 5 दिए लगाए या कितने भी दिए लगाए, आपको घी के दीपक ही लगाना है। ठीक है, अब दीपदान करने का सही समय क्या है, यानी किस समय पर हम दीपदान करें। तो देखिए, सबसे सही समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है, यानी कि शाम के टाइम का जो समय होता है, यानी कि 5:30 बजे से जो 7 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें दीपदान किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार चंद्रग्रहण है और चंद्रग्रहण 6:18 पे समाप्त होगा, इसके बाद आप स्नान करेंगे तो टाइम हो जाएगा, तो आप 6:30 बजे के बाद भी दीपदान कर सकते हो। ठीक है, दीपदान करने का जो समय है वो प्रदोष काल है, लेकिन इस साल यानी कि क्योंकि चंद्रग्रहण पड़ने के कारण आप अपना जो दीपदान है, अब दीपदान का जो आपका कार्यक्रम है वो 6:30 बजे या 6:20 के बाद कभी भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया दीपदान का समय। अब दीपदान कहाँ करना चाहिए, तो देखिए दीपदान करने के सबसे जो अच्छा होता है वो तो तीर्थों में होता है कि तीर्थों में जाके आप दीपदान करिए, लेकिन तीर्थ तो हम सब लोग जा नहीं सकते। दूसरा होता है पवित्र नदियों के किनारे पे जाकर दीपदान करना चाहिए, वो भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो अगर कोई इंसान वहाँ रहता है जहाँ पर कोई पवित्र नदी है तो वो तो कर सकता है, लेकिन सभी लोग तो किसी नदी के किनारे रहते नहीं है। तो पहला तो क्या हुआ कि तीर्थ स्थान, दूसरा क्या हुआ पवित्र नदियों के किनारे। पवित्र नदी नहीं तो कोई सी भी नदी के किनारे आप दीपदान कर सकते हो, वो भी उपलब्ध नहीं तो आप किसी सरोवर या तालाब के किनारे भी दीपदान कर सकते हो, किसी सरोवर या तालाब के किनारे पे भी दीपदान कर सकते हो। मान लीजिए आपके शहर में तालाब भी नहीं है, सरोवर भी नहीं है, तो आप कुएं बावड़ी जो होती है उनके किनारे पर भी दीपदान कर सकते हो। मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कुआं बावड़ी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, नदी भी नहीं है, तो आप जो नल का स्रोत है आपके घर में, जहाँ पर नल लगा रहता है, आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हो। वो भी नहीं है आपके घर तो जहाँ पर आप पानी के बर्तन रखते हो, जहाँ पर पानी के बर्तन पीने के लिए जो बर्तन रखे होते हैं घर में, हंडा वंडा जो भी रखा रहता है, आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हो, और नहीं तो आप घर का जो मंदिर है उसमें भी दीपदान कर सकते हो। ये मैंने आपको पूरे क्रम बता दिए, जो सही आपके लिए बैठता है उस जगह पे आप दीपदान करिए, लेकिन दीपदान जरूर करिए, क्योंकि जो आपने 3 दिन उधर दीपदान किए हैं, 3 दिन जो दीपक लगाए हैं धनतेरस को, रूप चौदस को और लक्ष्मी पूजा को, वो दीपदान का फल आपको नहीं मिलेगा अगर आप कल दीपदान नहीं करते हैं तो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि दीपदान करना कैसे है।
तो देखिए दीपदान करने का बहुत साधारण सा तरीका, कोई बहुत बड़ा भारी तरीका नहीं है। आप एक थाली लीजिए, उसमें पांच थाली या प्लेट या कुछ भी जो आपको ठीक लगे, उसमें आप क्या करेंगे कि पांच दिए या पांच से ज़्यादा जितने भी आपको दिए लगाना हो वो दिए रखिए, उसके अंदर बाती रखिए, फिर उसमें घी डाल लीजिए। अब घी डालने के बाद उन सभी दीपक को आप जला दीजिए, उसके बाद उसकी पूजा करिए, कुमकुम अक्षत से सारी पूजा करिए। जब पूजा कर लें और दीप जलने लगे तब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी आपके मन में आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को कहकर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करें। और साथ ही मेरे जो तीन दिन पहले जो मेरे दीपक लगाए हैं, उस दीपक लगाने का जो फल है वो भी मुझे इसके थ्रू प्रदान करें। ऐसा करके आप वो दीपक है वो आप नदी के किनारे या जो जहाँ पर भी आप कर रहे हो वहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको दीपदान करना है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप घर पर भी दीपदान करें, यानी कि ये जो जहाँ पर करना हो तो ठीक है, लेकिन जैसे दिवाली पे आपने दिए लगाए थे, जैसे धनतेरस पे आपने दीपक लगाए थे, उसी तरह से आप घर पे भी इस दिन करें। क्योंकि आपको यह मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि ये इस दिन को देव दिवाली कहते हैं, देवताओं की दिवाली है ये। इस दिन सारे 33 कोटि जो देवता है वो पृथ्वी पर निवास करते हैं, शाम के टाइम सारे देवता जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए इस दिन दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे भी दीपदान कर सकते हो, ठीक है, या बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हो। इनमें से जहाँ जो सूटेबल आपके लिए हो वो जरूर करिए, लेकिन दीपदान करना बिल्कुल नहीं भूलना है और ये दिन जो है वो आपसे चूकना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।